बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ होममेड फेशियल की एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने घर में रहकर के फेशियल कैसे कर सकते हैं विद होममेड प्रोडक्ट्स। कोई भी इसमें केमिकल यूज़ नहीं है। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो होममेड हैं, मतलब जो भी घर के आइटम्स होते हैं, यू नो, लाइक हनी, लेमन, शुगर एंड ऑल। सो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब घर के इंग्रेडिएंट्स से हैं। तो इन्हीं के साथ मैं एक होममेड फेशियल आपके साथ तो शेयर करूंगी कि हम अपने फेस को किस तरीके से ग्लो दे सकते हैं घर पे। सो एज यू नो कि अभी आजकल जैसे लॉकडाउन में सब सलून्स एंड पार्लर सब बंद है, सो हम किस तरीके से अपने फेस पे जो टैनिंग एंड अनइवन स्किन हो चुकी है, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली मैं यहाँ पे अपने हेयर्स को टाई कर लूँगी विद दिस हेयर बैंड। एंड फर्स्ट हम करेंगे क्लींजिंग। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर, मतलब चावल को आप पीस करके उसका आटा बना सकते हैं। एंड उसमें मैंने मिल्क, रॉ मिल्क जो होता है उसको मैंने मिक्स कर दिया, एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। एंड उसको आप कॉटन की हेल्प से और फिंगर की हेल्प से आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कॉटन पैड लिया है एंड उससे मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ इन सर्कुलर मोशन, एज यू कैन सी। एंड क्लींजिंग मिल्क बहुत इफेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है। सेम एज जो राइस फ्लावर है वो भी हमारी स्किन को वाइटनिंग करता है एंड हमारे फेस को एक ग्लो देता है बहुत ही नेचुरल वे में। देन मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया एंड मैं टॉवल की हेल्प से इसको वाइप कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप हमारा है आइजिंग। मैं यहाँ पे आईज यूज़ कर रही हूँ, आप इसे कॉटन पैड में रख के करें सो आपके फेस पे यू नो रेडनेस नहीं आएगी ज़्यादा। इस तरीके से आप आईज़ को यूज़ करिए, इससे आपके जो पफीनेस होगा आईज़ के नीचे या फेस पे जितने भी पोर्स होंगे वो आपके ओपन होंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसे रेगुलर वे में भी कर सकते हैं। देन मैंने अपने फेस को वाइप आउट कर लिया। थर्ड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर एंड हनी। सो शुगर जो है वो हमारी स्किन पे जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है और इन्हेंस करती है हमारी स्किन को फॉर ग्लोइंग। एंड नेक्स्ट जो हनी है वो काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है इस एक तरीके का, जो कि हमारे स्किन को काफ़ी अच्छा मॉइस्चर देता है। एंड इट्स अ एंटी बैक्टीरियल, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे फेस पे उसको हमारी स्किन पे से रिमूव करता है, सारी डेड स्किन्स को हटाता है एंड वाटर की जो भी कमी होती है अगर फेस पे तो उसको भी फुलफिल करता है। सो इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र काइंड ऑफ प्रोडक्ट। नाउ मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड मैं अपने फेस को थोड़ा सा वाइप कर लूँगी। देन यहाँ पे फोर्थ स्टेप है लिप स्क्रबिंग, जो कि बहुत मेन है। हमारे लिप्स भी पिंकी पिंकी रेड रेड काइंड ऑफ होने चाहिए, सो उसके लिए हम नेचुरल वे में कर सकते हैं, लेमन और शुगर को ही यूज़ करके स्क्रब कर लेंगे। इट्स वेरी यू नो खट्टा खट्टा काइंड ऑफ। सो इसका सेकेंड ऑप्शन भी है। सेकेंड ऑप्शन में आप बीट रूट को यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हमारा नेचुरल वे में लिप्स पिंक पिंक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस पैक। तो ये फेस पैक की मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर करी हुई है जो होममेड है, बेसन, हल्दी, योगर्ट और यू कैन से कर्ड सॉरी और आई थिंक लेमन, इसका पूरा फेस पैक ये बना हुआ था। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने फेस पे एंड देन सूखने के बाद उसको मैंने वॉश कर दिया है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे टोनिंग है। तो मैं इसके लिए कुकुम्बर का जो जूस होता है उसको मैंने ले लिया है, देन उसके अंदर मैंने हल्का सा हनी मिला लिया है एंड उसको मैं कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप फिंगर की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हनी के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए एंड कुकुम्बर के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं समर्स में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है तो हमारे फेस को बहुत अच्छा सा हाइड्रेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड आप ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस पे, कितना नेचुरली वे में ग्लो आ रहा है। सो इट्स डन एंड एज यू कैन सी के फेस पे काफ़ी अच्छा सा यू नो ग्लो आ रहा है, एज यू कैन सी। एंड इसके बाद फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई जेल और देन आप कोई भी सीरम और फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं एंड आफ्टर डैट आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके फेस को डन कर सकते हैं एंड आप उसके बाद देखेंगे आपके फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाएगा
और बहुत इफ़ेक्टिव है। आप उसे वीकली और मंथली अगर यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे आगे इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करूँगी। सो एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।